हेलो। हाँ जी, पंकज जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं की तरफ से बोल रहा था। बोलिए। हमें मालूम है दैट यू लव गोइंग टू रेस्टोरेंट्स। तुम्हारे यहाँ पर बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में बफे का एक ऑफर आया है, 299 रुपीज में आपको बफे मिल रहा है। वेरी गुड। ये फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल। आप अकेले के लिए करना चाहेंगे ना पूरी फैमिली के लिए? फिलहाल तो अकेले के लिए, फैमिली बाद में। तो सर मैं आपको बताऊं कि 299 में जब आप बड़े वाले होटल में एंटर करेंगे तो पहले तो वहाँ पर ना सर 30-40 पंखे लगाए हुए रहेंगे। अच्छा, वो किस लिए? सबसे पहले हवा खाने को मिलेगी। वो तो ठीक है, 30-40 पंखे क्या जरूरत है, एक ही पंखा से हो जाता। सर हम चाहते कि आपको कोने कोने से हवा लगे। चलिए ऑफर है। उसके बाद जब आप मेन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम आपको 70-80 सवाल देंगे, आप लोगों को पूछिएगा। मतलब मैं पूछूंगा? जी आप सवाल पूछेंगे तभी तो आप लोगों का दिमाग खा पाएंगे। नहीं देखिए, आपका तो खाने का 99 वो 7 नंबर, 7 नंबर रखना, 8 निकालना। 8? हाँ 8 नंबर निकाल देंगे। ओके सर, 8 वाला जरूरत है। 8 ठीक है सर। ये क्या है? 8 नंबर जूता निकलवा रहे हैं इसलिए। आप खाएंगे नहीं साले, ऐसे काम करते हो और किसी को बेवकूफ बनाने को नहीं। एक बात बताएं सर, आप इतनी गाली दे रहे हैं। हाँ। थोड़ी शर्म खा लीजिए आप। ये तो बना रहे दिमाग खराब मत करो, जिस समय मिल जाओगे ना वहीं पर उठा के तुम्हारा भरता बना देंगे। देखिए सर, आपकी ऑफिस का एड्रेस है हमारे पास में, हमारा बंदा भेज रहा है सर। आप 299 रुपए का चेक काट के उसको दे दीजिएगा, ठीक है? ये जो आपने इतनी देर से हमारे साथ बात करके धोखा खाया है उसके पैसे नहीं देंगे। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। बहुत बड़े कमीने हो भाई, बहुत बड़े कमीने। सुबह सुबह जमाने का ठेका तुम्ही लेके हेलो। अकाउंट नंबर लिख लीजिए, उसमें 300 रुपया भिजवा दीजिएगा आप। हाँ बोल, कौन रहा है? आप हाजरा के सामने वो जो सुलभ शौचालय वहाँ पे टट्टी करने गए थे? अभी कब गए थे? 3 दिन पहले आए थे आप। हाँ, गया था। तो आप जब घुसे ना तब टंकी में 20 लीटर पानी था और आप जब चले गए तो वो 20 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। मुझे बताओ, आप धोने आए थे ना, फेशियल करने आए थे उसका? क्या हो क्या, 3 दिन बाद मुझे कॉल करके ये पानी पूछ रहे हो? अरे जल, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जल जीवन है और आपने 20 लीटर पानी बर्बाद किया, 15 रुपए के हिसाब से 300 रुपए फाइन और आपको देना पड़ेगा, समझे? अरे बेवकूफ, 10 रुपए उसको दे के आया। एक मिनट, गाली गलौज तो आप करे नहीं, हमारी पहुँच बहुत लंबी है, ठीक है? आप हमको हल्के में ना ले। ये क्या 20 लीटर पानी? तो मैंने ये जन आगाही हो रही थी। सुनो, अकाउंट नंबर लिखो हमारा और 300 रुपया उसमें ट्रांसफर करवा दो चुपचाप। अबे जो करना है कर लो। हेलो। बहुत दिन बाद आपका नंबर मिला दिया, तो अस्पताल से निकला हूँ। कौन बोल रहा है? जब आप हाजरा पे वहाँ पे टट्टी कर रहे थे उसके बगल ही पे हम थे। यार खाते क्या है आप, समझ नहीं आया मुझे। कोई जाता है तो निकालता ही है। बहुत दुख झेला। तो हुआ क्या, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? 3 दिन कोमा में था मैं, बिल देखिए 50,000 से ऊपर आया हुआ। अरे तो तुम हगने गए। मैं क्या करूँ इसको लेके, मैं क्या करूँ? तो मैं करूँ क्या ये बताओ भाई। रुपए तो मुझे चाहिए, नहीं तो पुलिस में लगा लूंगा। तो लगा दो, हल्के तरह से ले रहा हूँ। पागल हो साला, तो साला फालतू का कॉल कर रहे हो यार। सबसे बड़ा बात है, टट्टी इतना बड़ा कांड करेगा ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा। अगर रख फोन, तुम्हारे जैसे वाले बहुत देखा है। अच्छा और भी सिखा रहे तेरे, रुक। हेलो जी, आप संजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाजरा के पास में किसी सुलभ शौचालय में आप गए थे, वहाँ पर आपने 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करा और उसके बाद में 300 रुपए का फाइन उन्होंने आपके ऊपर में ठोका और आपको जब उन्होंने फोन किया था उनके साथ में गाली गलौज करी, आपने बदतमीजी करी, बदसलूकी करी है। कौन बोल रहा है? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप ये बताओ, कोई हगने पे भी ऐसा होता है क्या? वो मैटर अलग है, लेकिन आपने गाली गलौज भी करी है। आपके ऊपर में Section 30(1)(c)(a) ये केस लगाया गया है बदसलूकी का। आपको मजाक समझ में आ रहा है? मैं थाने के बाहर जाता हूँ, आप जरा आवाज सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे। एक मिनट रुकिए, सुनिए आप। एक आदमी को बेहोश कर दिया, दो दिन जल ही जीवन है, जीवन है। सुन रहे हैं आप क्या हो रहा है? अरे सर ऐसा मत कर, उन्होंने कुछ चुप करा दिया। देखिए आपके, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप भी रुकिए, प्रशासन को अपने हाथ में ना ले। इसको बाहर निकाल के मारिए, आपको घर से निकाल करके जब ये लोग लाएंगे तो पुलिस भी बचाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत हैं। सर अब गलत वलत छोड़िए सर, जो भी कराना है जो भी, आप निपट लीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए। हम कैसे निपट ले? आप बोलिए कि आप 3,000 रुपए देने को तैयार हैं। अरे हॉस्पिटल बिल भी ऐड करना होगा। दे दूंगा सर, दे दूंगा सर, 3,000। 50,000 का बिल है, 50,000 का हॉस्पिटल का बिल है। 2 दिन भाई कोमा में रहा है। कोमा में, कोमा में।
रेड एफ एम 93.5 से बोल रहा हूँ मैं आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, हमको लगा आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए ये सुनकर के कि हम लोग मुर्गा बना रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी नंबर डराओ, हगना भी ऐसे मत करो यार। हेलो, अरे पवन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। और तेरा हैप्पी न्यू ईयर कैसा गया? बहुत अच्छा था। ये बता हैप्पी न्यू ईयर पे तूने कुछ ड्रिंक व्रिंक तो करके छेड़खानी नहीं करी ना? अरे यार क्या बात, अब पिछले साल की तरह जैसा हैप्पी न्यू ईयर गया था वैसा इस साल का हैप्पी न्यू ईयर नहीं गया तुम्हारा? हाँ मतलब ठीक है, अच्छा था। हैप्पी न्यू ईयर बार बार मत बोले ना, समझ में आ गया एक बार। यार अभी तो ये पूरा महीना चलेगा ना हैप्पी न्यू ईयर, इतना भी खुश मत, अभी पूरा का पूरा साल भर बाकी है। तो साल भर बोलेंगे भाई तुमको, बहुत फुर्सत है आपको। एक बात हम आपको बता दे। बताइए। हैप्पी न्यू ईयर भाई यार, प्लीज काहे ले रहे हो सुबह सुबह इतनी इम्पोर्टेंट चीज, सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द जस्टिफिकेशन। तो भैया मेरा नाम हैप्पी है और मेरा भाई का नाम न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर। ये हम लोग का खानदानी है। अबे सुनो, दुकान ले लो, ईमान ले लो, मकान ले लो, सामान ले लो, लेकिन चाटो मत। अरे भैया हैप्पी। हाँ न्यू ईयर कैसे है? बिल्कुल मजे में भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, अबे संक्रांति के दिन पैदा हुए थे क्या तुम दोनों? मतलब है नहीं नहीं लोहरी के दिन। फोन रख दो ना, कसम बता रहे आके घुस के मारेंगे। हेलो नमस्कार सर, फोन की तरफ से बोल रहे थे, हमारा एक नया ऑफर आया था जिसके विषय में आपसे बातचीत करनी थी, अगर आपके पास में एक मिनट का वक्त हो सर। हाँ जी थोड़ा जल्दी बताइए। जी हाँ जी सर, हमारा नया ऑफर का नाम है सर हैप्पी न्यू ईयर। नहीं नहीं मैं आपको विश नहीं कर रहा हूँ सर, ये हमारे ऑफर का नाम बता रहा हूँ सर। हैप्पी न्यू ईयर ये कमाल का ऑफर है, इसमें क्या ना आपका फोन लॉक रहेगा, आप हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे तभी फोन अनलॉक होगा, फोन अनलॉक हो जाएगा। किसी को कॉल करेंगे तो आपको पहले बोलना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर कॉल फलाना कॉल धमाका। भाई प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, रख दो यार। आपका रिंगटोन भी बन जाएगा सर हैप्पी न्यू ईयर, एम्पलीफायर में डाल के बजा देंगे। नहीं चाहिए रिंगटोन भाई। हट रहे हट हट हट, आने दे अपने को। हेलो हाँ सर हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर। अब शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। आपको याद है मैं हैप्पी और मेरा भाई न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर यार, मत क्या कर। अरे गुस्सा सर, हैप्पी न्यू ईयर। भाई हेलो, बोल हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। नहीं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, मेरे को ये बोलना था कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को कम से कम 25 बार तो हैप्पी न्यू ईयर वाले फोटोग्राफ्स भेजे ना, तो वही चीज जब कॉल करके हम आपको बोल रहे तो आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? तो तुम्हारी काय तपरी पे हमने भेजा, भेजे 50 को, भेजे 75 को, भेजे 100 को, भेजे, तुमको काय दिक्कत हो रही है? हमने खाली वर्बली आपको कॉल करके बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। वर्बली कॉल कर रहा तुम। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्त विकास ने हमें सुपारी दी थी आपका मुर्गा बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद बड़ा परेशान हो गया आपके हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस से। अच्छा पवन भैया सुनिए ना। हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो जी, हमारी बात क्या विकास से हो रही है? हाँ जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम अमेरिकन। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा। आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी जी, एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब खुद अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है, और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकेगा, एक अपार हुआगा दूरे। हाँ पूरा 4 किलो निकालना। हेलो। हाँ वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से अमेरिका तो ले जाना है। हाँ तो एक मिनट रुके, एक बार रुके गफार भाई, क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, उसको बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हंग रहा है, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग की ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? आज ही चाहिए तो ब्राउन निकालना। ठीक है ठीक है, एकदम भूरा कर देंगे इसको। क्या भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउन ही खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते ना टट्टी। हाँ आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब लाइन में हगो, लाइन में हगो। देखिए अभी लाइन से यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो वो आपको ले जाना है आपके साथ में। आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना ब्राउनी खाए अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे तो यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बातें लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेगा ना।
पागल है क्या, यहाँ बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, मतलब डर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे, पगले कहेंगे। अरे गरीब आदमी, आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। अजीत बेवकूफ को भैया, हमारी बड़ी वाली आंत बहुत कर दी। विकास जी क्या सबसे, मतलब विकास जी आप अकेले उठा पाएंगे 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है। नहीं आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हक करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आजा यार, हक कर ले हक कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हक कर ले, समलैंगी समलैंगी। नहीं बे, रेडियो जॉकी आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बना रहे थे। अच्छा भैया 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम, ले जाओगे? भैया किलो में कैसे देंगे, तो पतला किया है, सब लीटर में जोड़ना। हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका। जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है, मैंने कैसे करवाया ना बुकिंग? नहीं, आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा मी कुत्ता कमीना लिच्चड़ छिपकली टाइप छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे, तुम बोल कौन रहे हो? एक मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही है? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभियों को रंग लगाएंगे, भाभियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी हो भाभी बस चले तो आपके हाथ कहाँ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मालूम। इसीलिए सुन सुन, मुझे ना सिखा, और ये कौन तुम पहले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले, भाभिया क्या आजा, तेरे भी जंगल लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा था साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें, क्या सब करते हैं, सब करते हैं। और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभी भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं, आजा तुझे। सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है? त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है, मुझे सिखाने वाला हेडमास्टर है तू कहीं का, साले मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम, आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभियों से थोड़ी दूरी मेंटेन ना। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल डीजे। Yes. बहुत बड़ा फैन है सर आपका। थैंक्स, कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है, और आप जो होली पार्टी में जाने वाले हैं 2 तारीख को? जी जी जी, मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके, तो मैं चाहता था 2 तारीख के लिए आप जो आपका कंसोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचड़ टुच्चे, 2 नंबर के चिंदी चोर गाने बजाते हैं आप, मालूम आपको? अभी तो बोल रहा फैन हूँ फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहे हैं? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप? तो क्या डीजे मिक्स चल रहा तेरा? तो मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारा काम नाचना है, तुम नाचो। 50 होली के नॉन स्टॉप मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में और खाली ऐसे गचे 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 आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है। मत बनाइए, तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते हैं आप एक प्रोग्राम का वैसे? आपको क्या करना है यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है समझा। 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी खुद नाच ले समझा। और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना, मिक्स बाय डीजे
दस, तो उस टाइम आप फीडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे वहीं पे। ओ यो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू एंजॉयिंग, ऐसे करते हो आप? हां, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। बंद कर, ये समझ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? असर है ऊपर से, खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे अपना कौन सा जान बजाएंगे, हम ही बजाएंगे, हम तो डीजे किराए पे नहीं देते, समझे? किराए पे देने के लिए रखा डीजे है, डीजे डीजे है, डीजे डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार भाई तो क्या यार, मजाक मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई है, गलती सारा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार। लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो, तो मुझे पता है। आप सागर बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? सागर जी, मैं की तरफ से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। सागर जी, हम आपकी गाड़ी को एक फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों शायद आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई थी। दिक्कत तो वैसा कुछ खास है नहीं। आपकी गाड़ी विवेकानंद पार्क के पास में शाम को पार्क थी, याद कीजिए 3 दिन पहले होगा शायद, फिर जी, और आपकी गाड़ी हिल रही थी। व्हाट? सो देयर मस्ट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द कार, इसलिए शायद आपकी गाड़ी वो बहुत जोर जोर से हिल रही थी विवेकानंद पार्क के पास में। रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे उस टाइम। फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं आपकी गाड़ी को। अरे नहीं, कुछ खराब नहीं है, गाड़ी ठीक है मेरा। क्योंकि एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी थी और हिल रही थी। प्रॉब्लम मुझे मालूम है, जो भी वजह था उसमें, मतलब सर्विस का कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने मैनेज कर लिया है, वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इट्स ऑलराइट सर, एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। फाइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो, सन्नाटे को चीरती सनसनी में आज हम आपको दिखाएंगे एक हिलती हुई कार, और इस हिलती हुई कार के मालिक सागर हमारे साथ है हमारी टेलीफोन लाइन पर। अबे कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपकी ये गाड़ी किस कदर हिलती है? अबे बंद करो ये नौटंकी तुम अभी। जिस तरह से इनकी गाड़ी पर लगाम नहीं, वैसे इनकी बातों पर लगाम नहीं है। कहीं ये सब कर रहे हैं मजाक यार। हिलती हुई कार, जैसे लगता है देवी का कोई प्रकोप हो उस पर। ये देखिए शनिवार की रात 11 बजे का फुटेज। मैं पुलिस स्टेशन में दे रहा हूँ तेरा नंबर। फोन, हेलो सागर। हाँ, भवन नाम देवजीत। यू आर राइट, हु इज दिस? और आपके पिताजी का नंबर है 9138 5। कौन बात कर रहे हो? एंटाली थाना से बोल रहा था। जी सर, किस बारे में फोन कर रहे हैं आप सब? वो आपका गाड़ी को लेकर के एक कम्प्लेन आया हमारे पास में। गाड़ी को लेकर? आपका गाड़ी लोग बोल रहे हैं डेंजरस है, ऐसे हिलते रहता आपका गाड़ी, रास्ता में गाड़ी चलेगा हिलेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा। आप जरा थाने में आ जाइए, नहीं तो आपके पापा का नंबर है, आपके पापा से बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हिलती हुई गाड़ी का प्रॉब्लम। नहीं सर, हम बता रहे आपको, ये गाड़ी का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैकेनिकल। आपको जब बोला रिपेयरिंग करा लीजिए, तब आपने ऐसे मना होना क्यों किया, कुछ बोला क्यों नहीं? सुन लिया कि क्या प्रॉब्लम है? आपका गाड़ी में दिक्कत है और आप होशियार बन रहे हैं, ऐसे गाड़ी हिलता है। गाड़ी में मैकेनिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में खड़ा था। हाँ, तो पार्किंग में गाड़ी कैसे हिल रहा था? नहीं वो मेरा मतलब फ्रेंड। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाड़ी में, गाड़ी ठीक है। ओ माने तुम्ही गाड़ी भेतोरे तुम्ही और तुम्हारे बांधवी छिले? প্রপার গাড়ি দুলছিল, প্রপার গাড়ি দুলছিল। স্যার যাই হোক স্যার, মানে কন হ্যাঁ লড়কি কন হ্যাঁ লড়কি কন হ্যাঁ ফ্যামিলি শাদি হোনে বালা আগে ডিসেম্বর মে স্যার তো। আচ্ছা, ও লড়কি সে শাদি হো রা আপকা? জি স্যার, জি জি জি। কার্ড ওয়ার্ড দিজিয়েগা হামকো? হ্যাঁ স্যার, জরুর ভেজেঙ্গে স্যার। তো মেরা নাম হ্যায় আরজে প্রবীণ, রেড এফএম সে বোল রাহা হুঁ, কার্ড দিয়ে জাইয়েগা। সরি आरजे प्रवीण बोल गया मेरा भाई साहब, काहे रात को गाड़ी हिलाते हैं आप? हेलो, आपने की पलाश सर कथा बोल? बोलछी पलाश सर, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? हाँ पढ़ाई हमें हिस्ट्री। পলাশ দা, আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 এ পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কার কে কতটা গ্র্যাপ করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ধরে নেয়, কেউ একটু বেশি ক্ষণ পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ইউ নো ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত কবে এসেছিলেন? 326 BC। স্যার দুসরা সওয়াল মেরা থা স্যার, মোহেঞ্জোদাড়ো এন্ড হড়প্পা এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। স্যার আরিয়ানস লিভড ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া?
सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं, वो तो हम कैसे पटे, ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। एक बार बोलूं ताले कौन पाटा मैंने अपना जीए के? नहीं नहीं, हो गया, थैंक यू। की होएगा छे? जो काम था वो हो गया मेरा। की काज? आपनी फोन करे आमाके की काज को कथा बोलछन? नहीं तो मेरा काम हो गया। हां तो यही, नहीं नहीं, यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो मेरा काम हो गया। थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে একদম কি টিচার? হ্যালো, আমি এটা টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? স্যার থোড়া সা হিস্ট্রি, আপ হিস্ট্রি বতায়ে না স্যার, আপ দূসরো কো ভি মালুম চলেগা না কি আরিয়ানস কাহাঁ পর আয়ে থে, নহীঁ তো লোগো কো তো লাগ রহা থা আরিয়ান শাহিদ কাপুর হি আঁখো মে তেরা হি চেহারা। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে আর কি করছেন আপনি? স্যার প্রবীণ বল রহা হুঁ, রেড এফএম সে স্যার, মুর্গা বানা রহে থে। ও মানে কুছ ভি স্যার, মাইন্ড গুড উইনার স্যার। না না, गौरव जी के सेकंड हैंड एसी को गैस ट्रिक ट्रबल हो गई है, मतलब गैस बन ही नहीं पा रही, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हम बनाने में मदद कर देते हैं। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, हाँ भैया तौकीर बोल रहा हूँ, क्या हो गया बार बार फोन पे फोन मिला रहे हो आप? बाबूजी क्या हुआ भाई साहब, ये एसी आप क्या गैस डाल के गए थे इसमें? गैस डाली है भैया? कौन सी गैस डाल दी यार, ये तो चल ही नहीं रहा यार, रात से साला मच्छर काट काट के हमें परेशान कर दिया। तो भैया एसी से मच्छरों का क्या मतलब है? पहले भाई तो हवा, ये कौन सी गैस कौन सी डाल के गए हो तुम, इसमें डाल के क्या गए हो? गैस तो डाली भैया, दरअसल बात क्या हो गई थी मेरे को ना, जब मैं आपकी गैस डाल रहा था तब मेरे को घर से फोन आ गया मेरी बीवी का। हाँ। और हमें ना ऊपर वाले के कर्म से, मतलब जो है हमारे घर में बेटी हुई थी 6 महीने पहले, तो अब दरअसल उसको ना दूध पिलाना था, तो मैं फिर अपने जो मेरी बीवी का फोन आया, तो मेरी बीवी का फोन आने पे मैं फट से चला गया। अब वहां जब मैं गया हूँ तो फिर हमने फिर बच्ची के लिए मतलब फिर दूध दूध करवाया, इंतजाम वगैरह कराया, उसकी जो ये नहीं होती प्लास्टिक की बोतलें। अबे तो गैस कौन सी डाल के गया इसमें? गैस तो गैस डाल के गया हूँ मैं, तो फिर मैं सुन तो लो पहले पूरी बात, फिर मैं घर गया हूँ, घर जाके फिर मैंने बच्ची के लिए मतलब दूध जो है गर्म करवाया, जो प्लास्टिक की बोतलें जो होती हैं उनको उबलवाया है, फिर मतलब थोड़े से और जो है पोने वोने जो होते हैं जिसमें रोटी वोटी लपेटते हैं, फिर उसके बाद वो करा, तो फिर वो गैस थोड़ी सी कम सी जी हो गई थी। कहानी सुना रहा है मेरे को, गैस तो बता कौन सी डाली है? तो भैया गैस तो डाली थी मैंने। तो भैया ये चल क्यों नहीं रहा है एसी, कौन सी गैस डाल के गए हो? भैया सिलेंडर वाली गैस। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तू है क्या? कौन सी गैस डाल के गया सिलेंडर वाली? एलपीजी वाली यार, कमा बात है, बदतमीजी है यार, जलील पना है यार, तुम सुनो मेरी बात, तुम क्या गलत बात कर रहे हो यार, जला रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक तो बात कैसे कर रहे हो, एक तो इतना भारी सिलेंडर लेके हम छत पे गए हैं यार, एक तुम मालिक से बात करा, तो अपने तेरा मालिक कौन है? मैं ही तो मालिक हूँ तौकीर। अब तू कैसा मालिक है, एसी में कौन सी गैस डाल गया तू? नाले से उठ रही गैस थोड़ी ना डाली है यार, कोई पेट की गैस थोड़ी ना डाली है, एलपीजी वाली गैस डाली है, चौकस काम तो करती है क्या? एसी तूने हमारी एसी की, एसी के साथ बताओ कोई कैसा कर सकता है ऐसे? अभी ये कैसे चलेगा एसी, तू कल दोबारा आके सही करके जाए। मेरी बात सुनो, अभी तो गैस भी पूरी नहीं डली है, कल मैं लेकर आता हूँ सिलेंडर, कल मैं भरता हूँ। जल्दी ले क्या? हाँ ले आ रहा हूँ, अभी ले आऊँ क्या? हाँ अभी ले आओ। चलो कोई बात नहीं, अभी एक सेकंड रुकना जरा, दाल चढ़ा रखी है क्या तुमने गैस पे? अभी तो दाल चढ़ रखी है, चलो फिर मैं आधे पौन घंटे में आता हूँ। अबे कौन सी गैस लेके आएगा दाल चढ़ रखी है? वही लाल वाली सिलेंडर एलपीजी का। अबे रिमोट से धमाका करवाएगा क्या? हेलो, हंस तो रहा है, हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था, आपका बैंड बजा रहे थे भाई। अरे भाई तुमने तो बैंड बजा दिया। चाउमिन, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो कुछ भी मार्केट में मिलता है डेली का डेली मंगाते हैं जतिन भाई, आज भी मंगाया हुआ है, लेकिन इनके ऑफिस वालों ने कहते हैं बाहर का बहुत खाते हैं यार, कोई बात नहीं फ्री में डिलीवरी करते हैं आज हम बैंड की। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, सुई से बात कर रहा हूँ। अरे काम अरे क्या भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी। अरे सर बुका मारते तुमने यार,
सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, तो भाई 1.5 घंटा हो गया पागल बना रखा है, फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। स्टाफ को क्या हो गया भाई, स्टाफ को आग लगी वहाँ पे? नहीं आग सर, इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मेरी गलती है इसमें, क्यों खोल के बैठे होते बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे, चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट कर रहा हूं तो काट रहा यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं सर यही की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है भाई, तू अकेला जल्दी भेजा दे मेरे को, नहीं पता तू अकेला काम करे, काम करे मेरे को रोटी से मतलब, भूखा मार के तुमने खा लो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात भाई नहीं तो है। क्या समस्या, तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया। हेलो हेलो, अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा वो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना? बनती है सर, कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस हड्डियां लगी हैं तेरे को। इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना साहब, हड्डियां लगी मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जलजीरा को ले ले वापस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धोलूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। लगाई रोटी को बिल्कुल भी छाड़ो, कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से तू टट्टी वाला खाना खिला रहे मेरे को साले। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई मर जाता है? जतिन जी हेलो हैंजी, एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार भाई एक तरफ तो लोग रेड एफएम बजा रहे हैं और मच्छर भगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जुगल जी जैसे लोग भी हैं जो घर घर जाके ये बताते हैं कि कूलर में पानी ना रह जाए, उसे साफ सफाई के साथ रखिएगा, गमलों की भी साफ सफाई रखिएगा, पानी ना भर जाए। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनका बैंड बजाना तो बनता है। हेलो नमस्कार, ये जुगल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अपार्टमेंट में होते हो बेटा आप? हाँ जी। हाँ बेटे ये कहते हैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, 61 नंबर पे आया हुआ मैं। हाँ जी हाँ जी। और बेटे ये जो आप अपना जो ये सर्वे करते हो ना, चेक करा लेगा कि भाई मच्छर तो नहीं है, कूलर वूलर साफ है कि नहीं है। अच्छा जी। तो हमारे घर कल मत भेजना, ठीक है? क्यों जी? जी इसलिए जी क्योंकि जी हमने साफ कर दिया है कूलर भी, जो है मैंने पर्सनली, मैंने किसी छोटू वोटू को नहीं बोला, मैंने खुद जो है कूलर में से पानी निकाला, उसको साफ किया, फिर मिट्टी का ढेर डाला है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा उस चक्कर में फिर आपको बोल दिया, बाकी आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज सोची थी, भाई मच्छर जो है ये रुके हुए पानी में दे देते है ना अड्डा। मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई मिट्टी का तेल डाल दिया पूरे में, पानी डालना ही नहीं हमने, मैं मिसेज को कह दिया मेरी को, मैं भाई पानी नहीं डालना इसमें, मिट्टी का तेल डाल दे। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, हमने पूरे कूलर में पानी भरा ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल भरा, उसी पे चला रहे हम। अरे चलाना नहीं अंकल उसे कूलर को। क्यों जी? अपार्टमेंट पूरा उड़ जाएगा वो। ना ऐसे कैसे अपार्टमेंट उड़ जाएगा, कमाल की बातें कर रहे हो यार। ऐसे तो नहीं ना उसे? नहीं चलाया नहीं है, मैं चला के दिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चलाया है। नहीं उसे। मेरी बात सुनो, मैंने कल भी 2 मिनट के लिए चला के देखा था, सेट हो गया था मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना चलाना उसे। आजकल के बच्चे एक तो यकीन नहीं मानते ना बातों का, फिर वही वाली बात हो जाती है। ऑन करियो जरा इसको। अरे अंकल क्यों मर रहे हो? हेलो हेलो, ये देखो ये शुरू हो गया, ये देख। हाँ आवाज आ रही है आपको जुगल जी? अरे क्यों कवर में पैर डाल रहा बुड्ढे? कहाँ पे? कवर में। ये देखो अब अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम ठंडी आवाज दे रहा है, थोड़ी स्मेल आती है मिट्टी के तेल की, लेकिन सब एकदम सेट है, मैं बताऊँ आपको। इसे बंद करो नहीं तो मरमुरा जाओगे दोनों। हेलो हेलो। हाँ ये देख रहे हो यार, ये आवाज कैसी आ रही है, तारे टकरा रही है आपस में मेरे ख्याल से। अरे वो स्पार्किंग होगी बुड्ढे, दोनों तो उड़के जाओगे मियां बीवी। हाँ है तो स्पार्किंग ही, यही लग रहा है मेरे को। बंद करो। हे भगवान हे भगवान, मेरे तो सर पे चढ़ गया भैया इसका नशा, इसमें के मिट्टी। अरे बंद करो। सुमन हेलो। ए सुमन, ए भगवान,
गया बुड्ढा। हेलो, अरे बुढ़ऊ 61 नंबर वाला है भाई, ब्लास्ट हो गया, उसमें तेल डाल दिया पानी की जगह कूलर में, जा देख क्या। हेलो, मर गया। हेलो हेलो जुगल जी, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आरजे आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, किसी को कहीं पे मत भेज।